फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़। इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि इस इलाके के जो भी काम हैं, जो केंद्र सरकार के हैं वो मेरी जिम्मेवारी है, जो हरियाणा सरकार के हैं हमारे भाई गोविंद जी की जिम्मेवारी है, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं हमारे अमित चंद जी, इन सब की जिम्मेवारी। आप निश्चिंत होकर अपने काम हमें बताइए, हम यहाँ पर विकास की झड़ी लगा देंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यहाँ पर भी अगर आप कमल का फूल खिला देंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनके विकास की गति में ऐसी दौड़ लगाएगी कि आप लोग जो है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बीजेपी वाले कह देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो बल्कि तीन इंजन की सरकार थी। नगरपालिका भी बीजेपी की थी, स्टेट में भी बीजेपी का राज था, सेंटर में भी बीजेपी का राज था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या एलनाबाद की पीने के पानी की है, एलनाबाद के निवासियों की मांग है कि हमें भाखड़ा नहर का पानी जो है वाटर वर्क के थ्रू सप्लाई किया जाए। ये जो पानी आता है ये एसजीसी कनाल जो ओटू से निकलती है उसके माध्यम से आता है, और उसी नहर में तो गंदा पानी आता है, और जब भाखड़ा का पानी होता है तो गंदा पानी रोक के उसमें भाखड़ा का पानी छोड़ा जाता है, लेकिन वो जो जितना गंदा पानी नहर में खड़ा होता है वो सारे का सारा हमारी भाखड़ा के पानी के साथ भी आके और एलनाबाद हमारे वाटर वर्क्स में वो जाता है और फिर उसी तरीके से सप्लाई होता है। हमारी मांग है कि ये जो इधर शेरा वाली पैरेलल जो है, क्योंकि यहाँ दोनों नहरें अलग अलग हैं, जो गंदा पानी आता है उसके लिए नहर अलग है, जो भाखड़ा का आता है उसके लिए नहर अलग है। एसजीसी जो है ये जब बुढ़ी माड़ी से, ये तक तो दो नहरें हैं, बुढ़ी माड़ी से जब एलनाबाद को आती है तो वो एक ही नहर है, तो उसमें वो गंदा पानी मिक्स हो जाता है। तो एलनाबाद निवासियों की ये सबसे बड़ी मांग है कि हमें शेरावाली से पानी एलनाबाद को सप्लाई किया जाए। तो पिछले 7-8 साल से यहाँ वो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो एलनाबाद के जो निवासियों की जो सबसे बड़ी मांग पानी साफ़ सुथरे की है वो पूरी नहीं कर पाई। उससे अगली बात रहती है कि आम जो यहाँ बाकी शहरों में भी है, लेकिन हम जो अपने शहर में आज महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने या नगरपालिका ने डेवलपमेंट चार्जेज के नाम से इतना बड़ा टैक्स लगा रखा है कि आम आदमी को भरने के वो बस की बात ही नहीं है। मतलब पहले भी चलता था, हाउस टैक्स चलता था, लोग भरते थे लेकिन उनको इतनी तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अब नए सिरे से जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से जो चार्ज लगाए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अगर उदाहरण के तौर पे चार आदमी भाइयों का अगर कोई एक प्लाट साझा है और एक भाई उसमें से अपना हिस्सा बेचना चाहे, तो अगर वो एक एकड़ का प्लाट है तो वो एक भाई का हिस्सा तो आएगा दो कनाल उसमें, और वो उसका एक एकड़ का कहेंगे जी आप डेवलपमेंट चार्जेस भरो, और जितनी उसकी दो कनाल की कीमत है उतना डेवलपमेंट चार्जेस हो जाता है, वो फिर बेचारा करे क्या। तो लोग बहुत परेशानी में हैं। हम आने वाले समय में इस ये जो डेवलपमेंट चार्जेस है इसको तरमीम करके नगरपालिका, अगर राम सिंह सोलंकी जी चेयरमैन बनते हैं नगरपालिका के, तो हम इस तरीके से इसको लेके आएंगे कि आम आदमी की पहुंच में हो ये भरना इसका।